नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को गर्भवधन प्राप्त करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। जी हां, आपने मेरे वीडियो के टाइटल में सही देखा कि इसके एक टुकड़े तकिए के नीचे रख करके सो जाएं, सपने में गर्भवधन दिख जाएंगे। मैं विधि बताऊंगा किस प्रकार से इसका प्रयोग करना, तब आपको सपने में गर्भवधन दिखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं, प्राचीन ज्ञान की जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है प्राचीन ज्ञान। मैं प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाता हूं, धन से जुड़े जानकारी आप सभी मित्रों को बताता हूं, ताकि आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें। वैसे तो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे जानकारी बताए हैं गर्भवधन को प्राप्त करने का, लेकिन जो मैं विधि बताता हूँ दोस्तों आप सभी मित्रों को, सबसे सरल होता है, सबसे आसान होता है। और निश्चित रूप से इस विधि को करने के बाद कोई भी व्यक्ति धन्य धन से संपन्न हो सकता है। एक बात आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, प्राचीन समय में धन दौलत को रखने के लिए बैंक नहीं था, तो उस समय में हंडे में, बटुए में या मिट्टी के बना हुआ पात्र में सोने के मोहर को डाल करके जमीन में गाड़ दिया करते थे। चोर डाकों की रक्षा के लिए धन दौलत को जमीन में गाड़ करके दबा दिया करते थे, और जैसे जो व्यक्ति धन दौलत को दबाते थे, अचानक से उनकी मौत हो जाती थी या उम्र ढलने के साथ वो धन दौलत को किसी को नहीं बता पाते थे, मर जाते थे, तो उस धन दौलत की वो स्वयं ही रक्षा करते थे, उनकी जीवात्मा उसमें आकर के बैठ जाते थे। कभी कभी तो जो अच्छा धर्मात्मा होते थे उन लोगों को मोक्ष भी मिल जाते थे, तो वह धन दौलत बेकार ही चला जाता था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के आसपास में पूर्वजों ने, पितरों ने, बहुत से लोगों के पितर जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो वंशज हैं वो धन का उपभोग करें, अमुक जगह में आप चाहते हैं कि गर्भ धन है उसे एडजस्ट जगह पता करना चाहते हैं, तो आज के मेरे वीडियो में बताया गया जानकारी पूरे जिंदगी भर काम आएगी। इसके लिए आपको ज्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान करना नहीं है, सिंपल से पौधा देख लीजिए, इसे अमर बेल के नाम से जाना जाता है। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान देखने का सरल प्राचीन तरीका भी बताया था, बहुत से लोगों ने अपनाया, 100% लाभ भी मिला। तो एक काम करें, ये जो अमर बेल नाम की पौधा है बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक होता है। यह पौधा जिस वृक्ष पे उगता है उसके पूरे पोषक तत्वों को खींच लेता है। इसे एक प्रकार के हम पौधा नहीं बोल सकते, एक प्रकार के बेल बोल सकते हैं, चमत्कारिक बेल। तो ये अमर बेल के बेल को आपको लाना है, इसे एक दिन निमंत्रण दे आना है, शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद रविवार के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करने के बाद आपकी से प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, मैं अमुक जगह पे या अपने गरीबी को दूर करने के लिए या पितरों के द्वारा गड़वे धन को पता करने के लिए आपको ले जाने आया हूँ। इस प्रकार से वंदना करके अमर बेल को ले आना है, इसे गंगा जल से धो देना है, थोड़ा सा गोमूत्र का छींटा मार देना है, फिर आप इसे अपने तकिया के नीचे, जहाँ पे आप सोते हैं तकिया के नीचे, छोटा सा इसके टुकड़े रख करके सो जाना है। कम से कम एक बित्ते के आसपास में इसकी आपको कहा जाए तो अमर बेल रखना है, छोटा सा इसके टुकड़े को तकिया के नीचे में रख करके सो जाए। तो स्वप्न के माध्यम से आपके घरों के आसपास में जो गड़ा हुआ धन है या आपके पितरों ने गड़ा हुआ धन कहीं पे छुपा के रखा है तो उसका पता यह बता देता है। यह प्रयोग लगातार 7 दिनों तक करना है, 7 दिनों के भीतर में किसी भी एक दिन में गड़ा हुआ धन की पता यह बता देंगे, आप उस धन को प्राप्त कर सकते हैं। समाज कल्याण के लिए इस प्रयोग को करना है, और इसके कम से कम 5% हिस्सा जो धन प्राप्त करेंगे देवी देवता में लगा देना, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।